फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाए जाते हैं वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में खास तौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है वो वहां से शुरू हुआ है, जो भारत के अगेंस्ट मैच था, सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की। और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी किसकी रेपुटेशन है, क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है, फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ज्यादा पेनिट्रेटिव दिखे, हमारे बॉलर्स जो थे वो ज्यादातर विकेट लेने के बाद जो है वो एक विकेट को एंजॉय करने के चक्कर में होते हैं, एक ड्रामा बनाने के चक्कर में होते हैं, रात दिन के परफॉर्मेंस के थ्रू वो अपनी धाक बनाए। स्पीड सबकी कम है, ऐसी पिच के ऊपर अगर आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है और एक ही तरह के 125-30 के फास्ट बॉलर्स हैं तो बांग्लादेश जैसी बैटिंग लाइनअप भी खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ। फिर वही बात है कि कॉन्फिडेंस की क्राइसिस है। देखिए कप्तान जो है वो शान मसूद है और एक तरह से लूजिंग स्प्री पे वो लग गए हुए हैं। मैं समझता था चले ऑस्ट्रेलिया में तो मुश्किल कंडीशंस होती हैं, वहां पे जीतना पाकिस्तान टीम के लिए ऐसे ही है जैसे चांद पे जाना हो गया, मगर पाकिस्तान में आके इन कंडीशंस में आप बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार जाएं और फिर कंडीशंस ठीक रीड ना करें, मुझे अफसोस इस चीज का है। ना आपने बैटिंग में कुछ पहली इनिंग्स में जो आपने कॉन्फिडेंस लिया वो दूसरी इनिंग्स में आप उसको डाल सके, बॉलिंग जो है वो तो बिल्कुल ही बेकार थी। रमीज राजा का जो पहले बोला उन्होंने बोला कि एक मैच उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बोला कि एशिया कप से पहले दुनिया पर रोब था हमारे फास्ट बॉलर्स का कि हमारे जैसे फास्ट बॉलर किसी के पास है नहीं, मगर एशिया कप में जब सीमिंग विकेट के ऊपर भी, ये मेरे ख्याल हवाला कर रहे हैं वो जो मैच हुआ पाले किले के अंदर जो बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, मगर इंडिया ने 250 रन से 269 किए थे शायद, उसके बाद कोलंबो में मैच हुआ 300 प्लस रन कर दिए थे इंडिया ने, शायद 350 किए थे। उन्होंने बोला कि उन ट्रैक्स के ऊपर जहाँ पे बॉलर्स को अच्छी खासी मदद मिल रही थी वहाँ पर जो फेंटा लगा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का तो भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि ये बॉलर्स के ऊपर आप अटैक करेंगे, इनकी इतनी क्वालिटी नहीं है कि ये आप पर काउंटर अटैक करते हैं, इनको मतलब अटैक करो ये फारिग हैं। उन्होंने बोला कि उस मैच के बाद पाकिस्तान की बॉलिंग बिलो एवरेज लगने लगी, कहीं पर भी गए इनको सब ने मारा, क्योंकि सबको बताया भारतीय बल्लेबाजों ने कि इनको मारना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अटैक कीजिए इनके ऊपर सब ठीक हो जाएगा। ये रमीज राजा ने कहा, उन्होंने बोला कि मुझे याद है, रमीज राजा का एक ब्लॉग मुझे आज भी याद है जब एशिया कप पाकिस्तान भारत का मैच होना था उस वक्त उन्होंने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को भारत से बेहतर करार दिया था। आई स्टिल रिमेंबर, अभी भी शायद उनके यूट्यूब पे पढ़ाओ, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक सबसे बेस्ट है, पाकिस्तान के 90% एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि पाकिस्तान बॉलिंग अटैक बेस्ट है, और मैं अपना कुछ बोल नहीं रहा बट मुझे उस वक्त भी भरोसा था कि पाकिस्तान का उतना बेस्ट नहीं जितना लोग वर्ल्ड क्लास बनाए फिरते हैं, क्योंकि उससे दो साल, मैं हमेशा कोट करता हूँ मोस्टली जगहों के ऊपर कि दो साल उस यानी एशिया कप से पहले दो वर्षों में पाकिस्तान व्हाइट बॉल के अंदर किसी एक भी बड़ी टीम के खिलाफ कोई सीरीज नहीं खेला था, इसलिए मुझे अंदाजा था कि जब किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलेंगे तब पता चलेगा कि इनकी बेसिकली वर्थ क्या है, और वो फिर ऐसा फिर सबके सामने आया कि बेसिकली हम लोग कहां पे खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमारे बॉलर बुरे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये यही थे, बना हमने बड़ा दिया था। हमारे फास्ट बॉलर जो है रमीज राजा ने बोला कि सिर्फ रेपुटेशन पे खेल रहे हैं, और रेपुटेशन पे खेलने का मतलब है अब हमें टीम को मजीद खराब करेंगे। रेपुटेशन मीन के उन्होंने इशारा नाम नहीं लिया, इशारा किया शहीन का, नसीम का भी, कि भाई बड़े अच्छे बॉलर हैं, ये इनकी रेपुटेशन बनी है, उन्होंने बोला इनकी अचीवमेंट नहीं है बस रेपुटेशन बनी है और उसी बुनियाद के ऊपर ये खेल रहे हैं। शायद ज़्यादातर वो शहीन को कहना चाह रहे हैं क्योंकि विकेट उन्होंने लेटर ऑन ली थी टेल एंडर्स की, तो वो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जैसन गिलेस्पी ने इतनी क्रिकेट खेली है, जैसन गिलेस्पी हेड कोच बना हुआ है, क्या जैसन गिलेस्पी को इतनी समझ खुद भी नहीं आ रही कि यार हमने कौन सी टीम खिलानी है, कौन से बॉलर खिलाने, क्या करना है? कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीते वो और 10 विकेटों से मार के चले गए आपको, पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही होगी पाकिस्तान की इस टाइम कि यार मतलब बांग्लादेश जैसी टीम आपको हरा के चली गई, मतलब समझ नहीं आती यार, हमें भी कुछ बोलने का मौका दो ना यार, हमें भी कुछ बोलने का मौका दो। बाहर सीरीजें खेलते हो जाके हार जाते हो, वहां तो आपको जीतने कोई नहीं देता क्योंकि सारे अपने कंडीशन का फायदा उठाते हैं, लेकिन कितने टाइम से हम अपनी कंडीशन में ही मैचेस नहीं जीत रहे, तो भाई कहीं तो बोलने का मौका दो। हाँ यार, पाकिस्तान टीम ने अपनी होम सीरीज में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, मैचेस जितवा दिए, और भाई बैटिंग के साथ बॉलिंग भी जितवाती है मैच, बांग्लादेश ने इसी पिच पे बॉलिंग करके दी है, हमारे क्या किए, आपके बॉलर्स में कुछ है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, भारतीय पावर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई और भगवान श्री कृष्ण आपके सारी मनोकामनाओं को पूरी करें। दोस्तों, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया और रमीज राजा जो है वो अपनी बॉलिंग को लेकर बहुत नाराज है और उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और रमीज राजा ने पहली बार एक्सेप्ट किया है कि एशिया कप में जो कि पिछली साल हुआ था उसमें जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की गेंदबाजी को एक्सपोज किया था, उसके बाद जितनी भी सारी टीमें हैं उनको ये चीज़ समझ में आ गया था कि इनको शुरुआत से ही मारना शुरू करो
ये जो इनका लय है वो बिगड़ जाएगा। अब उस सीरीज के बाद अब ऐसा हुआ है कि कोई भी टीम पाकिस्तानी बॉलर्स को जब फेस करती है तो उनको मारना शुरू करती है, जिसके बाद जितने भी टॉप क्लास बॉलर हैं उनकी जो लाइन लेंथ है वो बिगड़ जाती है, और इसी का नतीजा है कि अब ये लोग अपने ही ज़मीन पे बांग्लादेश जैसी टीम से मैच हार रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वनडे में या T20 में आप एक फ्लूक में जीत सकते हैं कभी कभी, लेकिन टेस्ट मैच में जीतना इतना आसान नहीं होता। टेस्ट मैच में आपको दो पारी में बैटिंग करनी पड़ेगी, दो पारी में बॉलिंग करनी पड़ेगी, इसके बाद 20 विकेट निकालने पड़ेंगे, तब जाके टीमें जीतती हैं। तो जो छोटी टीमें होती हैं वो एक दो पारी में तो अच्छी कर लेती हैं लेकिन बाद में वो हार जाती हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप जरूर बताइए, और वीडियो एंजॉय करिए। धन्यवाद। एक रोज का रोना हो तो रोकर सबर आए, एक रोज का रोना हो तो रोकर सबर आए, और हर रोज तड़पने को कहां से जिगर आए। क्या बात है, हैं? हाँ। हमारा हाल तो यही है कि कल जो कुछ हमने देखा है ना क्रिकेट का हाल, वो यही है कि हम तो पूरे एक साल से ना क्रिकेट के हवाले से रोते चले आ रहे हैं। और जैसे कभी हम जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, कभी हम आयरलैंड से हार जाते हैं, कभी हम अफगानिस्तान से हार जाते हैं, कभी हम अमेरिका से हार जाते हैं, और अब इस कल इतवार को बार को जिस जिल्लत आमेज शिकस्त से हमें दो चार किया है बांग्लादेश ने, यानी उन्होंने दो तारीख रकम की, एक तो ये कि पहली मरतबा पाकिस्तान को हराया और फिर वो भी 10 विकेटों से हराया। मतलब ये नहीं कि कोई वो ऐसा मैच, देखिए हारने के भी कोई असलूब होते हैं, हारने के भी कोई तरीके होते हैं, और उन पर शायद इतनी तकलीफ नहीं होती कि चले कुछ नहीं तो हमने लड़कर तो हारा है यार, हम लड़े तो हैं, हम तो अपने घर के अंदर जनाब अली बकरी बनकर बैठ गए। बदतरीन किस्म की सिलेक्शन, बदतरीन किस्म की कप्तानी, बदतरीन किस्म की हिकमत अमली, बदतरीन बैटिंग, बदतरीन बॉलिंग, यानी इन तमाम चीजों का मजमुआ जो था ना वो कल था। बदतरीन फील्डिंग, मतलब फील्ड पे हमारे फील्डर्स ऐसे खड़े हुए थे कि हम यहाँ बैठ के मीडिया बॉक्स में बैठ के, मैं मौजूद थी वहां जब मैच हो रहा था, हम ये कह रहे थे कि दिस इज अ स्नूज फेस्ट, नींद आ रही है देख के किस तरह का मैच खेल रहे हैं जी। टेस्ट मैच ऐसे ही होता है नहीं, दुनिया भर में अब टेस्ट मैच बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, और जब आप देखते हैं ना जिस वक्त आप एशेज देखते हैं, जिस वक्त आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखते हैं, आपको मजा आता है वो टेस्ट मैच। नहीं, मतलब ये लड़ते तो है ना यार, हमारे तो लड़ाई तो होती है ना, इतना ज्यादा यूं लग रहा था जैसे कि इनको कोई इंजेक्शन लगाया और ये गिर पड़े। और फिर मजे की बात ये कि बेशर्मी की इंतहा ये है कि कोई इसको तस्लीम ही करने पर तैयार नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है या नहीं। कमाल कर रहे हैं यार आप, 27 करोड़ आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं, हम लोग दुआएं मांगते हैं मुसल्ले के ऊपर बैठकर, और आप हैं कि बिल्कुल नॉन सीरियस हुए में। वो कोच साहब कह रहे हैं कि हमने तो सोचा था कि जी बारिश बड़ी हुई है और इसमें मॉइस्चर बड़ा होगा विकेट के अंदर और बड़ी गीली है विकेट, हमने इसको देखते हुए 4 फास्ट बॉलर जो थे वो रख दिए। यार तुम, मेरे मुंह से भी पता नहीं क्या कुछ निकल जाएगा कि आपकी अकल पता नहीं कहां घास खाने के लिए गई हुई है कि आप एक टीम के अंदर 1 भी स्पिनर नहीं रख रहे, ठीक है ना, और उनके स्पिनर ने आपको उड़ा के रख दिया, उन्होंने 7 आउट किए, 7 उनके स्पिनर ने 7 आउट किए, फास्ट बॉलर ने नहीं किए। तो मैं वो बता रहा था कि वो कोच हमारे कह रहे हैं अजहर महमूद साहब कि वो फिर देखें जी जब टॉस हुआ है तो धूप निकल आई और धूप निकल आई तो उसने विकेट को खुशक कर दिया और ये और हमारी प्लानिंग। अबे यार इतनी जल्दी से खुशक होगी विकेट? अजहर महमूद सेड एंड आई विल कोट, द पिच डिड नॉट टर्न आउट द वे वी वांटेड इट टू टर्न, यानी पिच की गलती, पिच ने जिस तरह बिहेव करना था पिच मिसबिहेव्ड, उसने नहीं तो उसके ऊपर हमारी गलती नहीं है कि हमने कंडीशन सही नहीं पड़ी, हमारी गलती नहीं है कि हमें हमसे ज्यादा बेहतर कंडीशंस रीड की बांग्लादेश के स्टाफ ने, बांग्लादेश की टीम ने, बांग्लादेश के बोलर्स ने, किसी एक बंदे ने, बांग्लादेश के पूरी टीम मैनेजमेंट और टीम में से किसी एक बंदे ने पिच की कंप्लेन नहीं।